मैं जुमला फिर आसान करूंगा ताकि बात हर बंदे तक पहुंचे। अल्लाह को सजदा अल्लाह की वजह से नहीं हुआ, अल्लाह तो सामने आया ही नहीं, शऊर में तो आता ही नहीं, अल्लाह को सजदा हुआ इनकी वजह से। इन्होंने बताया कि अल्लाह है, जब इन्होंने कहा कि वो है तो सब उसके आगे झुक गए। इसका मतलब है कि अल्लाह का सजदा मनवाने के लिए इन्हें सजदा करना पड़ा। अब आज लोगों से पूछो कि अल्लाह है, वो कहते है, हम कहते क्या निशानी है, वो कहते हवाएं चल के बताती हैं कि अल्लाह है, बारिश बरस के बताती है अल्लाह है, कि मीकाइल रिस्क तकसीम करता है, रिस्क तकसीम करके बता रहा है कि कोई अल्लाह है, इंसान मरता है मर के बता रहा है कि कोई अल्लाह है, इंसान पैदा हो रहा है ज़िंदगी ले के बता रहा है कोई अल्लाह है। मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा है ये काम अल्लाह खुद नहीं करता, अल्लाह ने इन कामों के लिए फरिश्ते रखे हैं, हवाएँ फरिश्ते चलाते हैं, बारिश फरिश्ते बरसाते हैं, सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में हैं, चाँद का मुकद्दर फरिश्तों के हाथ में है, नलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है, और जो फरिश्ते ये सारा निजाम चला रहे हैं वो अली के दरवाजे में कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के आते हैं। फिर हमसे पूछ, हमने अल्लाह कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है, वो अली और है।